सो हाय एवरीवन, आप लोग की नई वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज कुछ में बात करने वाले हैं कि 2022 में जो जो लड़कियां इंटर पास किए हैं। जी हाँ, ये जान सकते हैं कि 2022 में जो जो लड़कियां इंटर पास किए हैं वो सरकार की द्वारा बहुत बड़ी अपडेट निकाल दी गई है कि आप लोग को इंटर पास जब आप लोग किए होंगे तो आप लोग को 25-25 हज़ार रुपये आप लोग को मिलेगी। सबसे आप लोग को 25 हज़ार रुपये आप लोग के अकाउंट पर आप लोग को जाएगी। तो 2021 में लड़कियां सब पास कर रहे थे तो वहाँ पर आप लोग को 10 ही हज़ार रुपये आप लोग को मिला था। और आप लोग जान सकते हैं, आप लोग काफी सारे वीडियो पर आप लोगों ने कमेंट भी किया था कि सर हम सरकार बोल रही है 25 हज़ार, मगर 25 हज़ार नहीं दे रही है। सरकार बोल रही है 15 हज़ार, 15 हज़ार नहीं दे रही है। आज के वीडियो में आप लोग को ईद आप लोग को बताएंगे कि आप लोग को 25 हज़ार आएगा या 15 हज़ार आएगा या 10 हज़ार रुपये आएगा। यानी आप लोग इस वीडियो में अगर आप लोग 2022 में पास होंगे तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल पर जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कि आप लोग कुछ भी वीडियो बनाए तो आपको नोटिफिकेशन आप लोग को जा सके। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर देख सकते हैं कि वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग देख सकते हैं, आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। सबसे बड़ी वजह है कि अगर आप लोग 2022 में पास किया तो आप लोग बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आप लोग को सरकार के द्वारा आपको नोटिफिकेशन निकाल दी गई है कि आप लोग को आवेदन करते ही आप लोग को 25 हज़ार रुपये जल्दी आप लोग को आवेदन आप लोग को मिलेगा। जल्दी आप लोग को 25 हज़ार का आप लोग को देख सकते हैं कि आप लोग को 25 हज़ार आप लोग को आगे बढ़ने के लिए आप लोग को सरकार के द्वारा आप लोग को मिलेगा। इसमें आप लोग को जान सकते हैं कि काफी सारे लोग बोले हैं कि सर इसमें आप लोग को आवेदन करने के लिए जांच किए थे, नया पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है। जी हाँ, नया पोर्टल अभी तक बना लिया गया है लेकिन अभी तक नेट पर नहीं आया है कि नया पोर्टल से आप लोग को इससे आप लोग को आवेदन होगा। सबसे बड़ी जी है, आप लोग को जान सकते हैं कि पोर्टल इसका ई कल्याण ही रहता है, यानी कि पोर्टल में हेर फेर होता है, ये कोई दिक्कत नहीं है। जी हाँ, खाली लिंक है, सो लिंक हेर फेर किया जाता है कि इस लिंक से ई आवेदन होगा, इस लिंक से 2021 के लिए आवेदन होगा, लिंक ही आप लोग को जा सकते हैं कि हेर फेर किया जाता है। सबसे बड़ी नजर काफी सारे लोग को जा सकते हैं कि इसमें आप लोग को ई कल्याण आप लोग को आवेदन करने के लिए क्या क्या कागज की आप लोग को जरूरी पड़ेगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट की आप लोग को जरूरी पड़ेगा। आज के वीडियो में आप लोग को ये भी हम आप लोग को बता देते हैं। सबसे बड़ी नजर से आप लोग को सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट जान जाइए से आप लोग को आधार कार्ड, और देख सकते हैं कि आधार कार्ड आप लोग को मार्कशीट वो आप लोग को दोनों मैच होना चाहिए। सबसे बड़ी वजह जी, अगर आप लोग ये दोनों मैच नहीं होता तो आप लोग जान सकते हैं कि 2021 में हम देखे हैं कि काफी सारी लड़कियां या देख सकते हैं काफी सारी लड़कियां को कुछ और रहता है और मार्कशीट में भी कुछ और रहता है, जिसमें आप लोग को पैसा फंस जाता है। पैसा फंसने के बाद आप लोग को जान सकते हैं कि आप लोग सैड महसूस करते हैं, और उसके बाद आप लोग को देख सकते हैं काफी कठिनाई के बाद भी आप लोग को काफी सारे लोग को तो इस बार भी पैसा नहीं आया है। सबसे बड़ी बात है ये, इस बार भी आप लोग को पैसा नहीं आया हुआ है। वहाँ पर आप लोग कोई क्लाइंट पर आपको स्टेटस चेक कीजिएगा, आप लोग को DOB मिसमैच में लिखेगा। उसीलिए आप लोगों से हम कह रहे हैं कि आप लोग को अभी पोर्टल नहीं खुला है, उससे पहले आप लोग जाकर आधार कार्ड और मार्कशीट दोनों आप लोग देख लीजिए। आधार कार्ड और मार्कशीट आप लोग को देखने के बाद उसके बाद आप लोग को देख सकते हैं कि आधार कार्ड आप लोग को लगेगा, मार्कशीट लगेगा, उसके बाद आप लोग को बैंक खाता आप लोग को पर्सनल अकाउंट होना चाहिए। उसमें आप लोग को नाम भी आप लोग को सही आपके आप लोग को देख सकते हैं आधार कार्ड और मार्कशीट से नाम भी आप लोग को मैच करना चाहिए। उसके बाद आप लोग को देख सकते हैं ये सब मैच करने के बाद आप लोग को gmail ID एंड मोबाइल नंबर, जी हाँ email ID और मोबाइल नंबर चाहिए, जिसमें आप लोग को जान सकते हैं कि email ID आप लोग को चालू होना चाहिए, क्योंकि आप लोग जान सकते हैं कि email ID पर भी आप लोग को पासवर्ड जाता है। जी हाँ, email ID पर भी आप लोग को पासवर्ड जाता है, वो भी आप लोग को फिलअप करना पड़ेगा। ये सब लोग को फिलअप करने के बाद आप लोग को फिर आप लोग को देख सकते हैं कि 2021 वाला फिर प्रोसेस चलेगा कि आप लोग को जो बोर्ड के द्वारा आप लोग को वेरिफिकेशन किया जाएगा। वेरिफिकेशन करने के बाद ही आप लोग को यूजर आईडी पासवर्ड आप लोग को मोबाइल पर आप लोग को भेज दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग को फिर से आप लोग आवेदन कर पाइएगा। जी हाँ, आप लोग ऐसा ऐसा आप लोग प्रोसेस है। इसमें आप लोग को काफ़ी सारे लोग बोलेंगे कि सर GST जाति आवासीय आय लगा कि नहीं, अभी तक जान सकते हैं कि अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। इसमें आप जान सकते हैं इसमें आप लोग को जाति आवासीय आय नहीं लगता है, ये फॉर्म कहीं पर भी आप लोग को जमा करना नहीं पड़ता है, आप लोग को डायरेक्ट आप लोग को अकाउंट पर आप लोग को 25 हज़ार आप लोग को फिलअप हो जाता है। जी हाँ, आप लोग को उम्मीद करते हैं आप लोग जो प्रोसेस आप लोग समझ में आ गया होगा। आप लोग को वीडियो देखने के बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोग कुछ भी पूछना है तो हमारा वीडियो जरूर से कमेंट कीजिएगा, और आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।